विकासनगर विधायक नवप्रभात और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी रावत मंत्रिमंडल के नए सदस्य बने हैं। गुरुवार को राजभवन में दोनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों विधायकों के अनुभव का लाभ राज्य को मिलेगा। दोनों ही वरिष्ठ विधायक हैं और पूर्व में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सूत्रों के अनुसार आज शाम तक मुख्यमंत्री मंत्रियों के कामकाज का बंटवारा भी कर सकते हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र राकेश के निधन और हरक सिंह रावत के इस्तीफे के बाद राज्य मंत्रिमंडल में दो सीटें खाली हुई थी। मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सीटों पर गढ़वाल क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने का संकेत पहले ही दे चुके थे। गौरतलब है कि गृह मंत्री का ये दौरा तब और अहम हो जाता है जब कश्मीर में मौजूदा हालात को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से काफी उकसाने वाली बयान आ रहे हैं। भारत इस सम्मेलन में इसलिए भी हिस्सा ले रहा है क्योंकि अगर एक भी सदस्य इस बैठक में मौजूद नहीं होता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को ऐसी कोई वजह हाथ में दी जाए और पड़ोसी देश को भारत की गंभीरता पर सवाल उठाने का मौका मिले। जानकारी के मुताबिक भारत इस बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को उठाने वाला है ताकि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जा सके। सार्क बैठक में भारत जिंदा पकड़े गए आतंकियों की जानकारी भी साझा करेगा। पिछले साल नवंबर में सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार को पहली बार अपने विधायकों की तरफ से विरोध के स्वर झेलने को मिल रहे हैं। शुक्रवार से शुरू होने वाले बिहार विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश किया जाएगा। कैबिनेट में जब इस पर चर्चा हुई थी तब नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उनके कैबिनेट के सदस्य इस मुद्दे पर उनके विचार से सहमत नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मनाकर इसे पास करा लिया। गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उसे दिल्ली लेकर आई, जहां उसने कई अहम खुलासे किए। बताया जाता है कि पूछताछ में बहादुर अली ने साफ शब्दों में कहा कि वह सीमा पार से आया है और लाहौर का रहने वाला है। उसने अपनी उम्र 21 साल बताई है। उसे पूछताछ अभी भी जारी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर समेत भारत के अन्य हिस्सों में आतंकवादी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये साफ हो चुका है। इसके स्पष्ट सबूत भी मिल चुके हैं। उन्होंने कहा अब तक पकड़े जाने पर आतंकवादी भी खुद ही बता देते हैं कि उन्हें ISI ने भेजा है। उन्होंने कहा कि नरसिंह यादव ने सुशील पर साजिश के जो आरोप लगाए हैं वो गलत है। नरसिंह को नार्को किया जाना चाहिए। सतपाल ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए नरसिंह यादव का नार्को टेस्ट करवाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो वह खुद भी नार्को टेस्ट के लिए तैयार है। सुशील के कोच ने कहा कि नरसिंह उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं कि मुझे डोपिंग के रिजल्ट के बारे में पहले से पता था। उन्होंने कहा कि वो नरसिंह के खिलाफ मानहानि का दावा कर सकते हैं। राज्य को 1% अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है और GST लागू होने के पहले 5 साल के दौरान राज्यों को राजस्व नुकसान की भरपाई की गारंटी दी जाएगी। ये भी प्रावधान किया जाएगा कि GST लागू होने पर केंद्र और राज्यों के बीच विवाद की सूरत में GST परिषद में मामला जाए और वही फैसला करे। इस परिषद में केंद्र और राज्य दोनों के नुमाइंदे होंगे। राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बिल पर सहमति बनाने के लिए प्रमुख राजनीतिक दलों से बातचीत शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं से कई दौर की बातचीत पहले ही हो चुकी है। अब बिल का अंतिम खाका तैयार करने के लिए वित्त मंत्री इस हफ्ते लेफ्ट नेताओं के साथ साथ छोटे दलों से भी मुलाकात करेंगे। सरकार ने कहा कि इस बिल को तुरंत पास की जाने की आवश्यकता है क्योंकि हर पब्लिक सर्वेंट को अपनी वार्षिक संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करनी है और 31 जुलाई तक ये करना जरूरी है, इसलिए इस बिल पास किए जाने की जरूरत है। जब कार्मिक मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन को ये आश्वासन दिया कि सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से ये बिल ला रही है तो सदन में ध्वनि मत से इस बिल को पास कर दिया गया। सरकार की कोशिश यही है कि राज्यसभा में इस बिल को आज ही पास करवा ले। जो गवाह हरीश दुलानी 2002 से गायब था वो सलमान के बरी होने के बाद सामने आया है और कहा है कि सलमान ने ही गोली चलाई थी। दुलानी वही ड्राइवर है जिसकी गवाही पर सलमान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। केस चला था उसी गवाह के बरसों तक गायब रहने के बाद सलमान बरी भी हुए। कई बार कोर्ट ने जमानती वारंट निकाला था लेकिन दुलानी सामने नहीं आया। चिंगार और शिकार मामले के अहम गवाह हरीश दुलानी का खुलासा अभिनेता सलमान खान पर भारी पड़ सकता है। दुलानी ने कहा है कि उन्हें कोर्ट में गायब बताया गया जबकि वे कहीं नहीं गए।
सलमान को बचाने के लिए उन्हें गवाही के लिए ही नहीं बुलाया। हाफिज ने कहा है कि कश्मीर में हुए विरोध मार्च की अगुवाई लश्कर का एक कमांडर कर रहा था। हमेशा खुद को लश्कर तैयबा से अलग बताने वाले हाफिज ने 26/11 हमलों के बाद पहली बार आतंकी संगठन के बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ कहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लश्कर के बैन होने की वजह से हाफिज सईद हमेशा जमात और दावा को खुद का संगठन बताते हुए खुले तौर पर लश्कर से कनेक्शन होने की बात से इनकार करता रहा है। हाफिज के बयान से ये साबित हो गया है कि बीते दो दिनों से पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर में भड़की हिंसा को और बढ़ाने की कोशिश की है और इसे सिविल राइट्स से जोड़कर फायदा उठाने की भी कोशिश कर रही है। सत्ताधारी आम आदमी के विधायकों पर गिरिराज को पार्टी के नेता केजरीवाल ने साजिश करार दिया। दिल्ली की जनता के नाम संदेश में केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के ऊपर दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचेलने की कोशिश की जा रही है। हमारे 10 विधायकों को गिरफ्तार कर चुके हैं और एक विधायक के घर पर रेड करवाई गई है। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने मोदी सरकार पर खुला हमला बोलते हुए कहा है कि हमारे 21 विधायकों को झूठा सच्चा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहकर अयोग्य साबित करने की कोशिश की है और इन्होंने हमारे एक सांसद को सस्पेंड कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर दलों की मदद की जरूरत होगी तो इनकी मदद लेंगे, लेकिन फिलहाल आयोग ने इन्हें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं समझी। चुनाव आयोग इस मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को करेगा। लाभ के पद मामले में आम आदमी पार्टी के 21 विधायक की विधायकी पर तलवार लटकी है। मार्च 2015 में दिल्ली सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। इसके खिलाफ प्रशांत पटेल नाम के शख्स ने राष्ट्रपति के पास याचिका लगाकर आरोप लगाया कि 21 विधायक लाभ के पद पर है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। राहुल गांधी को 23 अगस्त तक कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखना है। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों के समय अपने एक चुनावी भाषण में आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया था और आरएसएस ने उन्हें अदालत में चुनौती दी थी। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अगर अपने बयान पर कायम रहते हैं और जेल जाने से नहीं डरते हैं तो उन्हें नया राजनीतिक जीवन मिल सकता है। कांग्रेस के नेता भी इशारा कर रहे हैं कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। कल इस मसले पर एमपी विधानसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। अब मध्य प्रदेश सरकार ने गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल बताया कि मंदसौर में महिलाओं से मिले मांस की रिपोर्ट में बफेलो मीट की पुष्टि हुई है, लेकिन राज्य में उसके भी ले जाने की मनाही है, इसलिए दोनों महिलाओं को जेल भेजा गया है। गृह मंत्री के इस बयान के बाद मामला मायावती ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शादी का झांसा देकर एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने वाले एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। मामला शिकारपुर गांव के पास का है। यहां एक 25 वर्षीय युवक ने झांसा देकर अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाने के बाद शादी करने से इनकार कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद तृप्ति देसाई और उनके संगठन की एक अन्य सदस्य ने आरोपी लड़के की जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को पूर्ण विचार याचिका को खारिज कर दिया है। ये वो स्कूल है जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने कुछ वक्त पहले आदेश दिया था कि बिना विभाग से पहले इजाजत लिए सरकारी जमीन पर बने प्राइवेट स्कूल फीस नहीं पढ़ा सकते हैं और अगर स्कूल ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली सरकार के इस आदेश को प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था।